मेरा नाम शुजात शेरवानी है. आई एम फाउंडर दिस रैली एंड टोयोटा हाईवे मोटर्स एंड शेरवानी मोटर्स. और ये रैली हम मोटर स्पोर्ट्स तो शौक बहुत पुराना है, लेकिन एज अ हब रैली हमें अभी 8वां साल है. पहले तो हम एक छोटे फॉर्मेट पे करते थे, 12 किलोमीटर के ट्रैक था, फिर 15 बना, 20 बना. इस साल हमने 50 किलोमीटर का ट्रैक किया है. इसमें हमारे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की और हमारे काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स की, और अलहमदिल्ला बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया है. मशीनरी उन्होंने हमें प्रोवाइड की और उसके साथ साथ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की. मकसद सिर्फ इस रैली का था कि यूथ जितनी भी मैक्सिमम हो सके, कराची और हब की यूथ इस रैली में शरीक हो सके. और अल्लाह ताला ने इसको इतना सक्सेस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान से यूथ आना शुरू हो गई है. इस साल हमारे पास एंट्रीज कम से कम कोई 100 लोग थे, लेकिन क्योंकि सेफ्टी के लिहाज से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो हमने जो 51 रेसर्स को इंडक्ट किया, और माशाल्लाह 3 रेसर्स ख़वातीन हैं और 48 जेंट्स हैं. पहले तो हम एक डेजर्ट के इलाके में करते थे, लेकिन ऐसा ऐसा हमने डेजर्ट और पहाड़ों को मिलाया, और उसके साथ साथ इस दफ़ा डेजर्ट, पहाड़ और समंदर को भी मिला दिया, ताकि एक ही रेस में सब कुछ नज़र आए. और इस रेस में चीज़ें नज़र आईं और हमारा टूरिज्म डेवलप हो, पाकिस्तान का टूरिज्म, और पाकिस्तान के टूरिज्म के साथ साथ इस बलूचिस्तान का इम्पैक्ट नज़र आए. जो हमारी कोस्टल बेल्ट है वो नज़र आना चाहिए हमें कि कितनी खूबसूरत कोस्टल बेल्ट है. और फिर बलूचिस्तान के हवाले से लोगों पे इंप्रेशन है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है. तो बस मैं आपके तवसुल से ये कहना चाहता हूँ कि टूरिज़्म डेवलप होना चाहिए. बलूचिस्तान के ट्रैक्स बहुत ही खूबसूरत हैं. इस दफ़ा हब का जो उन्होंने ट्रैक चेंज किया ऑर्गेनाइजर्स ने और साहिल समुंदर के ऊपर लेके आए हैं, वो इतना खूबसूरत और इतना शानदार तजुर्बा था वहाँ पर चलाना, और इतना हमें मज़ा आया गाड़ी चलाने का और पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की खूबसूरती को देखने का कि शायद उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है. और एक दो टर्न्स की अप्रोच तो ऐसी थी कि हम समुंदर के पानी के अंदर से जा रहे थे और उसको टच करते हुए जा रहे थे. बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत तजर्बा था.